पलिया की दुधवा रोड स्थित गुरुकुल एकेडमी स्कूल में के छात्रों को स्कूल द्वारा दी जा रही बेहतर शिक्षा व संस्कार के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छात्रों को शाबाशी दे चुके हैं। छात्रों को स्कूल द्वारा दी जा रही बेस्ट इस साल के वार्षिक परीक्षा फल को लेकर शनिवार को स्कूल परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले होनहार बच्चों को स्कूल के प्रबंधक मुकेश अग्रवाल व प्रधानाचार्य HP बडोनी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजन कर उनमें छिपी प्रतिभा को निखारने का काम भी करती है। स्कूल के प्रधानाचार्य HP बडोनी ने कहा कि स्कूल के बेहतर परीक्षा परिणाम के पीछे शिक्षकों व स्कूल प्रबंधन की कड़ी मेहनत और लगन है। उन्होंने सभी शिक्षकों की बेहतर लगन की प्रशंसा करते हुए बच्चों के परिजनों से अपील की वह अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा देने के लिए स्कूल का साथ दे और टाइम निकालकर बच्चों को जरूर पढ़ाए। उन्होंने बेहतर अंक लाने वाले बच्चों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पहली बात तो मैं सारे बच्चों को बधाई देना चाहती हूँ। उनकी मेहनत सफल हुई है और उन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक अपना ये वर्ष जो है उत्तीर्ण किया अच्छे नंबरों से। और सबसे ज़्यादा हमारी सफलता जो है जब हम अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर साथ चलते हैं तब हम ज़्यादा सफल होते हैं। अभिभावक जो हमारे साथ साथ चलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं घर पर भी, हम स्कूल में शिक्षा देते ज़रूर है लेकिन जो घर पर विद्यालय का कार्य देखते हैं, जो विद्यालय में होमवर्क बच्चों को मिलता है, स्कूल्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स लेते हैं, उनके बच्चे कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। मैं ये चाहूँगी कि मेरी एक ये अनुरोध है बाकी भी अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों का विशेष तौर पर घर पर ध्यान रखें। जो हम स्कूल में काम देते हैं, जो ऐसा नहीं सिर्फ टीचर पर ही नहीं होता, इसका पूरा श्रेय सिर्फ टीचर या विद्यालय पर नहीं जाता, अभिभावकों पर भी जाता है। जब तक पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट बच्चों को नहीं मिल सकता है तब तक हम भी पूरे पूर्ण रूप से पास नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। बाकी हमारे प्रबंधक सर, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट सर, सबका सहयोग होता है तभी हम 100% पूर्ण रूप से सफल होते। रिजल्ट 100% रहा। पिछले वर्ष के मुकाबले हमने कुछ इम्प्रूव करा और इसके पीछे हमारा स्कूल प्रबंधन, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं एवं स्वयं बच्चों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बारे में एक बात और कहूँगा कि घरों में जो माँ बाप अपने बच्चों को अलग समय निकाल के पढ़ाते हैं और घर में ट्यूशन की भी व्यवस्था की जाती है, उसके पीछे भी हमारा सफलता का संदेश रहा। और मैं चाहूँगा कि इस तरह से पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था बनी रहे और हर माँ बाप, हर शिक्षक, हर बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि शिक्षा प्रायोगिक रूप से ही होनी चाहिए, कंप्यूटर्स और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का मूल रूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए।